हेलो दोस्तों, आज के वीडियो में अपन स्टेट ओपन बोर्ड कक्षा 12th के डेटा एंट्री यानी डेटा एंट्री ऑपरेशन थ्योरी पेपर के बारे में डिस्कस करेंगे कि 2021 का पेपर किस तरह का आएगा, कौन से क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहे हैं, ठीक है। इसके बारे में अपन डिटेल से जानेंगे जो कि 12 अक्टूबर को होने वाला है 336 कोड नंबर का। सबसे पहले तो दोस्तों इसमें अपन जान लेते हैं कि जो डेटा एंट्री होता है उसका पूरा 100 मार्क्स किस तरह से डिवाइड होता है। तो इसमें देखिए 60 नंबर के तो आपके प्रैक्टिकल एग्ज़ाम होंगे। क्या होंगे? प्रैक्टिकल एग्ज़ाम होंगे, ठीक है दोस्तों। इसके बाद बात कर लेते हैं कि जो 40 नंबर है, बाकी 40 नंबर बचा उसमें से क्या होगा, 36 का तो पेपर होगा, 36 मार्क्स का तो पेपर होता है और 4 मार्क्स इसमें 17 अंक भेजे जाएंगे, ये टोटल 40 हो जाएंगे, ठीक है। यानी 36 के पेपर हो जाएगा और 4 मार्क्स आपके 17 अंक भेजे जाएंगे, तो ये 40 का हो जाएगा। इस तरह से 60 प्रैक्टिकल एग्जाम और 40 इसके, तो दोनों मिला के 100 मार्क्स का ये पेपर होगा। अब दोस्तों इसमें बात कर लेते हैं कि किस तरह के क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं और कौन से क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है, तो उसके ऊपर डिस्कस कर लेंगे। जैसे कि दोस्तों यहां पर अपन डिस्कस कर लेते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के बारे में। तो आपको पता है कि डेटा एंट्री जो होता है उसमें कंप्यूटर से रिलेटेड एक्सेल, एमएस वर्ड, इन जो चीजें होती है, इनपुट आउटपुट प्रोसेसिंग, ये जो चीज़ें होती है बार बार रिपीट होती है। जैसे कि यहाँ पे एक्सेल वाले क्वेश्चन दे रखे हैं जो कि बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं डेटा एंट्री में। इसके अलावा इनपुट आउटपुट प्रोसेसिंग स्टोरेज, ये जो चीज़ें होती है बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। इसके बाद बात करें एल फोल्डर, ये भी चीज़ें बार बार रिपीट होने के चांस रहते हैं। इसके बाद दोस्तों देखते हैं कि एमएस एक्सेल और जो एमएस वर्ड है, ये चीज़ें ज़्यादा पूछी जाती है डेटा एंट्री के जो वर्क होते हैं। देखिए दोस्तों, डेटा एंट्री का वर्क पूरा ही एमएस एक्सेल, एमएस वर्ड, इन पर एक्सेल पर, सारा इन पर डिपेंड होता है, तो इनसे रिलेटेड ज़्यादा पूछे जाएंगे आपको क्वेश्चन। तो आप इन तरह के जो क्वेश्चन हैं वो ज़्यादा पढ़ के जाइए। इसके बाद आपको जैसे कि प्रोग्राम से रिलेटेड भी क्वेश्चन कभी कभी पूछ लिए जाते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो इस तरह के जो क्वेश्चन हैं वो बार बार रिपीट होते हैं। इसके बाद बात करें तो इसमें नेटवर्किंग सिस्टम भी से भी पूछा जाता है, जैसे लैन, मैन, ये जो सिस्टम होते हैं उनसे भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। लैन, मैन, वैन, इस तरह के भी क्वेश्चन बार बार रिपीट होने के चांस रहते हैं। जैसे कि यहाँ क्वेश्चन दे रखा है, प्लॉटर का प्रयोग कंप्यूटर सिस्टम में डेटा एंटर करने के लिए होता है, तो इसके बारे में आपको सही या गलत बताना है, क्या क्या वर्क होता है, कौन सी सावधानी रखनी होती है, कौन कौन से सिस्टम इसमें वर्क करते हैं, तो ये जो जानकारी है वो बहुत ज़्यादा आपको ध्यान रखनी है। इसके बाद आप देखोगे कि अगर कंप्यूटर पे आप काम करोगे तो फंक्शन की के बारे में भी आपको जानना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि फंक्शन की आपको पता नहीं होगी तो आप शॉर्टकट मेथड से आप जल्दी कार्य नहीं कर सकते। इसलिए कि डेटा एंट्री में आपको वर्क करने के लिए शॉर्टकट की होती है, F1 क्या होता है, F2 क्या होता है, शिफ्ट प्लस F1 दबाने से क्या हो जाता है, तो इस तरह की जो चीज़ें होती है वो ज़्यादा पूछे जाती है, ठीक है फ्रेंड्स। इसके बाद आप देखोगे कि IP एड्रेस, TCP इंटरनेट का ग्लू कहलाता है, इसके बारे में भी आपको जैसे कि यस और नो में पूछा गया है। वेब ब्राउजर, वेब सर्वर, सोर्स प्रोग्राम, ऑब्जेक्ट, मशीन लैंग्वेज, असेंबली लैंग्वेज, इस तरह के भी क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं, ये ज़्यादा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। मशीन लैंग्वेज पर भी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है फ्रेंड्स। तो इस तरह के क्वेश्चन आप देख लिए होंगे कि इस तरह के क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं, प्रोग्राम से रिलेटेड, MX, Excel, फंक्शन की, इसके बारे में ज़्यादा रिपीट होते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये डेटा एंट्री का पिछले ईयर का पेपर है जो कि इस तरह से पूछा गया है, तो आप इसी तरह से इसकी तैयारी करिए जिससे कि आपके अच्छे मार्क्स बने और आप अच्छे परसेंटेज से क्लियर हो।